मिस्र की 10 विपत्तियों का उद्देश्य और अर्थ क्या था, जिनका जिक्र निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 7 से 10 तक मिलता है। विपत्तियां परमेश्वर द्वारा मिस्र पर इसलिए भेजी गई थी ताकि यहूदियों को मिस्र की 400 वर्षों की गुलामी के अत्याचार से मुक्त करने के लिए फिरौन को कन्विंस किया जा सके। जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजा, तो उसने मूसा के अधिकार को प्रूव करने के लिए अपने चमत्कार दिखाने का वादा किया। मूसा के द्वारा चमत्कार दिखाने के पीछे यहोवा के मुख्य दो कारण थे। पहला, इसराइलियों को यह दिखाने के लिए कि उनके पूर्वजों का परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और पूरी तरह से आराधना के योग्य है, और दूसरा, मिस्रियों को यह दिखाने के लिए कि इसराइलियों के परमेश्वर के सामने उनके देवता कुछ भी नहीं। इसराइली लगभग 400 वर्षों तक मिस्र में गुलामों के रूप में रहे थे और उस समय में उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर पर लगभग विश्वास खो दिया था। हालांकि वे उसकी एग्जिस्टेंस पे विश्वास तो करते थे और उसकी उपासना भी करते थे, लेकिन उनका खुदा उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा सकता है या नहीं, इस बात को लेकर उनके मन में बहुत भारी शंका थी। कई बुतप्रस्त संस्कृतियों की तरह मिस्र के लोग भी प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे और ये मानते थे कि उनके आसपास होने वाली हर प्राकृतिक घटना उनके देवताओं का कार्य है, जैसे कि उनके पास सूर्य, नदी, प्रसव, फसलों आदि जैसी हर एक चीज का एक देवता या देवी थी। उदाहरण के लिए, नील नदी की वार्षिक बाढ़ जैसी घटनाएं जो उनके खेतों को उपजाऊ बनाती थी, उनके लिए उनके ईश्वर की शक्ति और महानता का प्रमाण था। जब मूसा ने फिरौन के पास जाकर अपने लोगों को जाने देने की मांग की, तो फिरौन ने उत्तर दिया कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी बात मानूं और इसराइलियों को जाने दूं। इस प्रकार उनके बीच ये दिखाने की चुनौती शुरू हो गई कि किसका ईश्वर अधिक शक्तिशाली है। पहली विपत्ति, नील नदी के पानी को खून में बदलने की पहली विपत्ति एपिस, जो कि नील नदी का देवता था, उसके खिलाफ, आइसिस जो कि नील नदी की देवी थी उसके खिलाफ, अथवा कानून जो नदी का रक्षक था उसके खिलाफ थी। नील नदी को ओसारिस देवता की रक्त धारा भी माना जाता था। नील नदी ने उन लोगों की डेली लाइफ एवं नेशनल इकोनॉमी का निर्माण किया था, लेकिन मूसा द्वारा जब नील नदी को खून में बदल दिया गया तो उनकी अर्थव्यवस्था अथवा रोजमर्रा की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस विपत्ति के विषय यहोवा फिरौन को कहता है कि इससे तू जान लेगा कि मैं परमेश्वर हूं। दूसरी विपत्ति, नील नदी से मेंढकों को लाने वाली दूसरी विपत्ति हेकट के विरुद्ध थी, जो कि मेंढक के सिर वाली देवी है। इजिप्ट यानी मिस्र में मेंढकों को पवित्र माना जाता था और उन्हें मारा नहीं जाता था। परमेश्वर ने मिस्र के हर एक घर में मेंढकों का आक्रमण करवाया और जब मेंढक मर गए तो उनके बदबूदार शरीरों को पूरे मिस्र देश में बहुत ही घृणित तौर से ढेर कर दिया। तीसरी विपत्ति, की तीसरी विपत्ति रेगिस्तान के देवता सेट के विरुद्ध थी। पिछली विपत्तियों के विपरीत मिस्र के जादूगर इसकी नकल करने में असमर्थ थे और ये देखते हुए मिस्री जादूगरों ने ये घोषित किया कि यह ईश्वर का ही कार्य है। चौथी विपत्ति, मक्खियों की चौथी विपत्ति मक्खियों के देवता उच्चित के विरुद्ध थी। इस विपत्ति में परमेश्वर ने इसराइलियों और मिस्रियों के बीच स्पष्ट रूप से डिस्टिंग्विश किया, क्योंकि मक्खियों के झुंड ने उन क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाया जहां इसराइली रहते थे। पांचवी विपत्ति पशुधन की मृत्यु देवी हाथोर और देवता एपिस के खिलाफ थी, जिन्हें मवेशियों के रूप में चित्रित किया जाता है। पिछली विपत्ति की तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को इस विपत्ति से भी बचाकर रखा, जबकि मिस्रियों के सभी मवेशी मर गए। परमेश्वर मिस्र की अर्थव्यवस्था को लगातार नष्ट कर रहा था, जबकि उसकी आज्ञा मानने वालों की रक्षा करने और उन्हें हर प्रकार की आशीष प्रदान करने की अपनी क्षमता भी दिखा रहा था। इस दौरान फिरौन ने जांचकर्ताओं को ये पता लगाने के लिए भेजा कि क्या इजरायली भी मिस्रियों की तरह ही पीड़ित हैं, लेकिन जब उसको पता चला कि इजरायली एकदम खुशहाल हैं, तो उसका मन उनके प्रति और कठोर हो गया। छठी विपत्ति, फोड़े और फिंसियों का छठा प्लेग स्वास्थ्य और रोग के कई देवताओं के खिलाफ था, जैसे सेखमेट, सुनू और आइसिस। बाइबल कहती है कि इस बार मिस्र के जादूगर फोड़ों के कारण मूसा के सामने खड़े ना रह सके। स्पष्ट रूप से ये धार्मिक अगुए इसराइल के परमेश्वर के विरुद्ध शक्तिहीन हो चुके थे। परमेश्वर द्वारा अंतिम तीन विपत्तियां भेजे जाने से पहले फिरौन को परमेश्वर की ओर से
एक विशेष संदेश दिया गया कि ये विपत्तियां अन्य विपत्तियों से अधिक गंभीर होंगी और उन विपत्तियों को फिरौन और सभी लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए खास तैयार किया गया था कि सारी पृथ्वी पर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 9 और वर्स 14 में लिखा गया है। फिरौन को ये भी बताया गया कि उसे परमेश्वर ने ही उसके स्थान पर रखा है ताकि परमेश्वर अपनी महानता दिखा सके और सारी पृथ्वी पर अपना नाम घोषित कर सके, जिसके बारे में निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 9 और वर्स 16 में पढ़ा जा सकता है। अपने अनुग्रह के एक और उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने फिरौन को पिछली विपत्तियों से जो कुछ मवेशी और फसलें बची थी उन्हें इकट्ठा करने और उन्हें आने वाले तूफान से बचाने की चेतावनी दी। फिरौन के कुछ सेवकों ने चेतावनी पर ध्यान दिया जबकि अन्य इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सातवीं विपत्ति। ओलों की सातवीं विपत्ति आकाश की देवी नट, फसल की उपज के देवता ओसायरिस और तूफान के देवता सेट के विरुद्ध थी। ये ओले पहले कभी नहीं देखे गए थे क्योंकि ये ओले आग के साथ मिले हुए थे जो जमीन पर हर चीज को आग से तबाह कर रहे थे, लेकिन इस बार भी फिर से इसराइलियों के लोगों को चमत्कारिक ढंग से बचाया गया और ओलों ने उनकी भूमि में कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आठवीं विपत्ति। इससे पहले कि परमेश्वर अगली विपत्ति लाए, उसने मूसा से कहा कि इसराइली अपने बच्चों को आज के बाद ये बता सकेंगे कि उन्होंने मिस्र में परमेश्वर को कैसे कैसे अचंभे काम करते हुए देखा और कैसे उन्होंने परमेश्वर की शक्ति देखी। आठवीं विपत्ति फिर से नट, ओसायरिस और सेट पर केंद्रित थी। ओलों के बाद जो फसलें बच गई थी यानी गेहूं और राई, अब टिड्डियों के झुंड के द्वारा खा ली गई थी। उस वर्ष मिस्र में कोई फसल ना होगी। नौवीं विपत्ति। अंधकार की नौवीं विपत्ति सूर्य देवता रा के विरुद्ध थी, जिसका प्रतीक फिरौन स्वयं था। मिस्र देश में 3 दिन तक अंधकार छाया रहा परंतु इसराइलियों के घरों में उजाला रहा। दसवीं विपत्ति। दसवीं और अंतिम विपत्ति पहलौठे पुत्रों की मृत्यु इजिप्ट के बच्चों के रक्षक के रूप में माने जाने वाले आइसिस के विरुद्ध थी। इस विपत्ति में परमेश्वर इसराइलियों को एक गहरा आत्मिक पाठ पढ़ा रहा था जो मसीह की ओर इशारा करता था। अन्य विपत्तियों के विपरीत जिससे इसराइली परमेश्वर के लोगों के रूप में अपनी पहचान के कारण बच गए, इस विपत्ति में उनके द्वारा विश्वास की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने प्रत्येक परिवार को एक निर्दोष नर मेमना लेने और उसे बलि करने की आज्ञा दी। मेमने के लहू को उनके द्वार के ऊपर और दोनों ओर लगाया जाना था। कोई भी परिवार जो परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं करता अंतिम विपत्ति में पीड़ित होना था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अनाउंस किया कि कैसे वह मिस्र देश के मध्य में विनाश करने वाले को भेजेगा, इस आदेश के साथ कि वह हर घर के पहलौठे नर को मार डाले, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। पर इसराइलियों के दरवाजे पर मेमने का लहू ही एकमात्र सुरक्षा का जरिया था। जब नाश करने वाला लहू को देखता तो वह उस घर के ऊपर से चला जाता और उसको बिना छुए छोड़ देता था, जिसके बारे में निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 12 और वर्स 23 में पढ़ा जा सकता है। यहीं से फसह शब्द आया है। फसह प्राचीन मिस्र में उस रात का एक स्मारक है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से छुड़ाया था, जैसा कि पहला कुरंथियों चैप्टर 5 और वर्स 7 सिखाता है कि यीशु हमारा फसह बना जब वह हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए मरा। जबकि इसराइलियों ने अपने घरों में परमेश्वर की सुरक्षा पाई, मिस्र देश में हर दूसरे घर ने परमेश्वर के क्रोध को अनुभव किया जब उनकी पहली संतान की मृत्यु हुई। इस दुखद घटना के कारण फिरौन ने आखिरकार इसराइलियों को रिहा कर दिया। मिस्र की शक्ति चूर चूर हो गई और परमेश्वर का भय चारों ओर की जातियों में फैल गया। यही वह उद्देश्य था जिसकी परमेश्वर ने शुरुआत में घोषणा की थी। हम आज भी इन घटनाओं को मुड़कर इतिहास में देख सकते हैं। मैंने आपको ये सब बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन इन सब के दौरान और भी बहुत सारी घटनाएं घटी जिनका प्रूफ आज भी हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।